कुरुक्षेत्र में दीवार गिरने से एक हादसा हो गया। दीवार के नीचे दबकर दो महिलाओं की मौत हो गई। हादसे में तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल भी हो गई हैं। कपड़े धोने के दौरान अचानक से दीवार गिर गई। यूपी की रहने वाले थे सभी मृतक। तो कुरुक्षेत्र में दीवार गिरने से हादसे की यह खबर, बताया जा रहा है कि दीवार के नीचे दबकर दो महिलाओं की मौत हो गई है, तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। कपड़े धोने के दौरान अचानक से दीवार गिर गई। कुरुक्षेत्र में यह हादसा हुआ है। चलेंगे अपने संवाददाता अशोक यादव के पास। अशोक, कहां का मामला है ये कुरुक्षेत्र में और किस तरह से हुआ यह हादसा? जी देखिए, ये कुरुक्षेत्र के पास पेवा रोड पे, कैथल पेवा रोड पे थाना गांव है, वहां का ये मामला है। ये मजदूर टाइप के लोग हैं, ये जो ईंट भट्टे के मजदूर पे उस पर काम किया करती थी और कई बार इन्होंने कहा कि पानी की टंकी में पानी भर जाता है तो कोई हादसा हो सकता है, मगर जो ईंट भट्टा का मालिक है उसने इस पर गौर नहीं किया और कल जब पानी की टंकी, जिसे होद कहा जाता है, उसमें ज्यादा पानी भर गया तो वो पानी की टंकी फट गई, क्योंकि वो महिलाएं वहीं पर अपने कपड़े वपड़े धो रही थी और काम कर रही थी तो वो पानी की टंकी उनके ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से दबने के कारण उनके मौके पर एक महिला की तो मौत हो गई और दूसरी महिला को, जिसको कल्पना चावला करनाल ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कहीं ना कहीं दो महिलाएं की मौके पर मौत हो जाती है और जो तीन चार महिलाएं वो अस्पताल में उपचाराधीन है। कहीं ना कहीं इस मामले की जांच पुलिस कर रही है और पुलिस जो दोनों महिलाएं उनके सब को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपेगी। और जो लापरवाही का मामला सामने आया, क्योंकि जो ईंट भट्टे पे काम करने वाले मजदूर थे उन्होंने मालिक को पहले ही बोला था कि पानी भर जाता है और दीवारें भी कमजोर हैं, कभी ना कभी हादसा हो सकता है, वही हुआ। जिस तरह से ये हादसा हुआ कि दो महिलाएं तो मौके पर ही मौत दम तोड़ गई और तीन चार जो महिलाएं हैं वो अभी अस्पताल में उपचाराधीन है, इसके लेकर पुलिस ने जो विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है और उसके बाद पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अशोक इस जानकारी के लिए।